माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, उसके अगले वीडियो में मैंने आपको कविता 5 की समझूती और उसके बारे में समझाया था। अब विद्यार्थी मित्रों, मैं कविता 5 के अभ्यास के बारे में समझाऊंगी। विद्यार्थी मित्रों, लाइव में तो यह सब पूरा हो गया है, लेकिन आपको यह वीडियो देखकर हिंदी की नोट में लिख देना है। तो उसमें पहला प्रश्न है कि इस काव्य को टेप रिकॉर्ड द्वारा सुनिए और सामूहिक व्यक्ति गान कीजिए। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको इसका राग सुनाया था अगले वीडियो में भी, लाइव में भी। तो आपको यह काव्य घर से तैयार करनी है और आपको उसमें से सुन देनी है, यानी कि आपको गाना भी है। तो यह प्रश्न हमें लिखना नहीं है, ओनली वन सूचना लिख देनी है कि प्रश्न नंबर 1, इस काव्य को टेप रिकॉर्ड द्वारा सुनिए, सामूहिक और व्यक्तिगान करवाइए। तो हम ऑफलाइन में है उस विद्यार्थियों के पास तो गान कराते हैं, लेकिन लाइव में है तो इसलिए विद्यार्थी मित्रों, आपको यह प्रश्न कई सूचना ही लिखनी है। बाद में दूसरा प्रश्न है, प्रश्न देखो इसमें बताया गया है ना कि प्रश्न 1 को टेप रिकॉर्ड द्वारा सुनिए। अब विद्यार्थी मित्रों, दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न है उसमें है अंदाज अपना अपना, और उसमें पहला प्रश्न है यदि सूरज न निकलता तो। तो विद्यार्थी मित्रों, उसका जवाब है यदि सूरज न निकलता तो दिन न होता, हमें सूर्य का प्रकाश न मिलता, सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नाम निशान न होता, सूर्य न निकलने पर बादल बनते और न वर्षा होती। प्रश्न 2 है, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो पेड़ चलते तो कैसा होता। तो उसका जवाब है यदि बगीचे में पेड़ चलते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती, वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियां टूटकर नीचे गिर जाती, कोई व्यक्ति बगिया में जा नहीं सकता। सचमुच यह एक विलक्षण दृश्य होता, यानी कि भयानक दृश्य होता यदि बगीचे में या कोई भी पेड़ चलता तो। तीसरा प्रश्न है, यदि दीपक बोलता तो देखो दीपक बोलता तो क्या होता। तो उसका उत्तर है यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता, रात में होने वाली अनेक दिलचस्प घटनाएं हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती, क्योंकि रात में वह बोलता तो सब कुछ हमें सुना देता था। प्रश्न है 4, यदि पेड़ पौधे न होते तो पेड़ पौधे न होते तो क्या होता। तो उसका उत्तर है पेड़ पौधे से दुनिया में हरियाली छाई रहती है, उनसे तरह तरह के फूल फल जड़ी बूटियाँ आदि मिलते हैं। पेड़ पौधे के बिना हरियाली न होती, उपयोगी चीज़ें न मिलती और दुनिया वीराने में बदल जाती। अब आगे है विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। तो जो आपके आसपास है वह फूलों के नाम हमें लिखने हैं। तो हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल, चंपा, कमल, कोई भी गुलाब, कोई भी फूल लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो उसका उत्तर है
प्रकृति के पांच तत्व है। कौन कितने हैं? पांच। तो उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रकाश, पांच तत्व है। और तीसरा प्रश्न है, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? तो उसका उत्तर है, प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। प्रश्न चार है, जोड़ मिलाइए, यानी कि जोड़ का जोड़िए। तो उसमें है फल, सूरज, दीपक और मानव। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न चार में सही जवाब सामने लिखे हैं, तो आपको इस तरह से ही अपनी नोटबुक में सही जवाब लिखना है। सामने जोड़ना नहीं है। फूल, तो फूल क्या देता है? खुशबू देना। उसका काम क्या है? खुशबू देना। सूरज, तो सूरज का काम है गर्मी देना। दीपक, तो दीपक का काम है अंधेरा हरना। मानव, तो मानव का काम है अच्छे काम करना। प्रश्न पांच है, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको कविता में से ही शब्द लिखने हैं, समानार्थी शब्द तो लिखने हैं, लेकिन कविता के ही हमें शब्द लिखने हैं। तो देखो, आपको यह कोष्टक भी बनाना है विद्यार्थी मित्रों, नोट में मैंने आपको समझाया था। तो पुष्प, रवि, भूमि, मानव, दिया, तो सामने उसके समानार्थी शब्द है, लेकिन कविता में से ही ढूंढ कर लिखने हैं। तो फूल है, सूरज है, धरती है, इंसान है और दीपक है। और बिल्कुल उसके सामने विद्यार्थी मित्रों देखो कि वाक्य है, तो वाक्य हमें इस तरह कोष्टक ही बनाना है। मुझे फूल पसंद है। फिर दूसरा है, हम सूरज को नमन करते हैं। आगे है, यहाँ की धरती उपजाऊ है। चौथा है, इंसान अकलमंद प्राणी है। पांचवा है, रात में दीपक प्रकाश देता है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों नोट में बहुत अच्छा सा हमें क्या बनाना है? कोष्टक बनाना है और उसमें सही वाक्य और समानार्थी शब्द लिख देने हैं। अब आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न पांच है, उसका अ मैंने आपको समझाया, अब ब आया है। तो ब में है, चित्र के आधार पर पांच छह वाक्य लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह चित्र नोट में बनाना है और उसके बारे में वाक्य भी लिख देने हैं। तो देखो, यहाँ वाक्य सब दिए गए हैं कि सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है, सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है, सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए हमें उसे देवता मानते हैं, सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। इस तरह सूर्य के बारे में लिखा। बाद में हमें यह फूल सूरजमुखी का है, तो हमें सूरजमुखी के बारे में लिख देना है। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, सूरजमुखी के बारे में, फूल तरह तरह के होते हैं, उनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। सूर्य के चित्र के आसपास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है। यह फूल पीले रंग का होता है और सूर्य के निकलने पर खिलने लगता है। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है। इस तरह विद्यार्थी मित्रों हमें पांच पांच वाक्य दोनों में लिख देने हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब आगे छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखो, नीचे कोष्टक में
ब्लैंकेट में दिए गए हैं आप, कोई नई गति, क्या, पानी, अपना, कुछ, तो और नीचे खाली जगह है, तो खाली जगह में इसमें से ढूंढकर ही हमें सही जवाब लिखना है, लेकिन सर्वनाम होने चाहिए। तो मैंने सर्वनाम के बारे में लाइव लेक्चर में आपको समझा दिया था। तो उसमें पहला है तुम्हारा नाम क्या है, दूसरा है देखो तो कोई इधर ही आ रहा है, तीसरा है खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है, चौथा है मैंने अपना काम पूरा कर दिया, पांचवा है आप कहाँ जा रहे हो। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आपको यह वीडियो देखकर सारा अभ्यास आपकी नोटबुक में सुंदर अक्षर से लिख देना है। उसके बाद के वीडियो में मैं विद्यार्थी मित्रों आपको स्वाध्याय के बारे में समझाऊंगी। तब तक प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।